बारिश और बाढ़ के कारण पूरे मध्य और पश्चिमी भारत में हाहाकार मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ से गुजरात और महाराष्ट्र तक भारी बारिश अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रही है। गुजरात के हालात तो सबसे ज्यादा खराब हैं। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों और सौराष्ट्र के इलाकों में कई स्थानों पर आज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में चट्टान खिसकने जैसी घटनाएं हुई हैं। मौसम विभाग ने नागपुर समेत कई इलाकों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटे काफी भारी पड़ने वाले हैं। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल संभाग के सागर, दमोह, उमरिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी आसमानी आफत का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में मॉनसून का दौर जारी है, जहां बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। आज भी राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान में 16 जुलाई से कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश आगामी दिनों में जारी रहने की संभावना है। केरल में मॉनसून की भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल के 4 जिलों इडुकी, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी तरह आज तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। IMD के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को हल्की बारिश के साथ आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे।